बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं तैयब मजीद और वेलकम करता हूं आपको 25 मिनट्स की स्पेशल क्लास में। इसमें आपको ऐसी स्किल्स सिखाने वाला हूं कि अगर आप ये तसल्ली से बैठकर देख लेना तो आप आराम से आधे घंटे के अंदर आप $35 से $50 तक कमा सकते हो। लाइव प्रूफ आपको दिखाने वाला हूँ, आपका ज़्यादा टाइम भी वेस्ट नहीं करूँगा। हम इसमें काम क्या करने वाले, चलते हैं लैपटॉप की स्क्रीन पर। और अगर आपने स्किल सीख ली तो आप आराम से घर पर बैठे हज़ारों डॉलर्स कमा सकते हो, जो कि अर्निंग मैं खुद कर रहा हूँ। ये मेरी पर्सनल स्किल है, वो स्किल आपको आज सिखाने वाला हूँ। तो चलते हैं अपने लैपटॉप की स्क्रीन पर, वहाँ पर आपको बताता हूँ कि हम लोग क्या सीखने वाले हैं। तो हम लोग सीखने वाले हैं बुक के कवर्स डिज़ाइन करना। बुक के कवर्स होते हैं फ्रंट कवर्स, बैक कवर्स, हम लोग वो डिज़ाइन करते हैं फाइवर पर। फाइवर पर अकाउंट बनाने का तरीका सब कुछ मैंने ऑलरेडी बताया है। पहले आप ये स्किल सीख लें, उसके बाद हम डिस्कस करेंगे। अगर आप इसमें इंटरेस्टेड होंगे तो इसी चैनल पर मेरी फाइवर की क्लासेस भी रखी हैं। अपने फाइवर पर अकाउंट कैसे बनाना है, गिग कैसे क्रिएट करनी है, वो बात की बात है, लेकिन पहले आपने ये वाला काम सीख लेना है। तो यहाँ पे देखें, हम लोग काम कर रहे हैं बुक के फ्रंट कवर। अब ये मेरा अकाउंट खुला हुआ है फाइवर का। यहाँ पे मेरे पास ऑर्डर एक, यहाँ पे देखें $35 का ऑर्डर अभी एक्टिव है। इसको हम लाइव करके देंगे, करके दिखाऊंगा मैं आपको, और ये आप सीख लें। अच्छा, यह $35 का ये है $1, यानी कि एक ऑर्डर है। इसके मल्टीपल ऑर्डर्स, दिन में पता नहीं कितने ऑर्डर्स ऐसे आते हैं और अच्छे खासे पैसे अर्न करता हूँ। वो स्किल आपको सिखाने वाला हूँ, लाइव आपको करके दिखाऊंगा कि मैं बुक कवर कैसे डिज़ाइन करता हूँ, A to Z आपको सिखाऊंगा। और आपको फोटोशॉप नहीं आता चलाना तो जो टूल मैं यूज़ करता हुआ आ रहा हूँ फोटोशॉप के अंदर, वो आपको बताता जाऊँगा और आपने वही उसकी प्रैक्टिस करनी है। और एक आप अच्छा सा बुक कवर आप भी डिज़ाइन करके अच्छे खासे पैसे घर पे बैठे भी कमा सकते हैं। तो चलते हैं। अब ये देखें, मेरे पास टाइटल, क्लाइंट ने मुझे टाइटल दिया हुआ है, ये टाइटल है, ये सब टाइटल। मैं जो भी बुक कवर डिज़ाइन करता हूँ तो ऑर्डर करने से पहले क्लाइंट मुझे उसकी डिटेल्स दे देता है। आधे डिटेल्स इसमें हैं और बाकी की डिटेल्स जो हैं वो इसने मुझे यहाँ पर दी हुई हैं। एक वर्ड फाइल है जिसमें उसने मुझे बताया हुआ है कि टाइटल ये है, सब टाइटल ये है, पेन नेम यानी कि ऑथर नेम ये है, बुक का साइज़ ये है, बुक के पेजेस इतने हैं। तो हमें सिर्फ फ्रंट कवर से इसका, हमें सरोकारों का, हम इसका फ्रंट कवर डिज़ाइन करेंगे। और इस क्लाइंट ने एक प्लस पॉइंट ये है कि इसने मुझे पिक्चर्स भी दे दिए। अक्सर लोग पिक्चर नहीं देते हैं, तो हमने पिक्चर जैसे यहाँ पर आयरलैंड, यहाँ पे कोई और टाइटल होगा, क्लाइंट ने आपको ऑर्डर किया, कोई और टाइटल हो सकता है, तो उस टाइटल को कॉपी करेंगे हम, उसको हम गूगल पे जाएंगे, उससे रिलेटेड पिक्चर्स हम डाउनलोड कर लेंगे। अब यहाँ पर देखें, इसने मुझे पिक्चर ऑलरेडी दी हुई, तो हमने इसके ऊपर हमने एक बुक कवर डिज़ाइन करना है बड़ा लश्पत सा, वो आपके सामने करके दिखाऊंगा। तो यहाँ पे मैं आता हूँ फोटोशॉप में, आपका ज़्यादा टाइम भी वेस्ट नहीं करता, डायरेक्ट मुद्दे पे आते हैं। तो यहाँ पे हमें क्लाइंट ने हमें यहाँ पर दिया हुआ है, अगर आप, हाँ, आप फोटोशॉप कहाँ से डाउनलोड करेंगे, ये सवाल आपके पास आ सकता है। तो भाई यहाँ पे मैंने एक साइट ओपन की हुई है, आप इस साइट पर आकर, यह है साइट का नाम, ये देखें ये साइट का नाम है। इस साइट पर आकर आपने यहाँ पे सर्च बार में, यहाँ पे सर्च का ऑप्शन होता है, यहाँ पे आप लिखेंगे फोटोशॉप। और मैं यहाँ पे अपना फोटोशॉप पुराना यूज़ कर रहा हूँ, फोटोशॉप मेरे पास CS6 है, उसमें मेरा काम चल जाता है आराम से। मैं आराम से अपने बुक कवर, अपना काम, मैं अपने मतलब का काम उसमें से निकाल सकता हूँ। और यहाँ पे आप जैसे किसी, आप कोई से, आप यहाँ पे देखें फोटोशॉप, एडोब फोटोशॉप 22 आप 2022 का डाउनलोड करेंगे तो यहाँ पे इसी के नीचे ही इसका इंस्टॉलेशन का बताया हुआ है कि हाउ टू इंस्टॉल दिस सॉफ्टवेयर। तो आप इस वीडियो को देखेंगे तो आप अपने आराम से अपने लैपटॉप में, अपने पीसी में, कंप्यूटर में ये वाला सॉफ्टवेयर डाउनलोड करके काम स्टार्ट कर सकते हैं। तो चलते हैं अपने फोटोशॉप पर। और यहाँ पर हमें क्लाइंट ने दिया हुआ है, यहाँ पर हमें क्लाइंट ने ये दिया हुआ है, बुक का साइज़ है हमारे पास 5.5 × 8, यानी कि 5x8 इंच होता है। ये बुक का साइज़ जो होता है वो इंचज़ में हमें ज़्यादातर क्लाइंट्स दे रहे होते हैं। तो यहाँ पर मैं आता हूँ अपने पास वापस फोटोशॉप में, और यहाँ पे न्यू 5x8 मैंने ऑलरेडी सेलेक्ट किया हुआ है, क्योंकि मैं ऑलरेडी बुक कवर्स पे काम करते रहता हूँ, तो मेरे पास ये साइज़ सेलेक्ट हुआ है। यहाँ पे आपने 5 लिखना है, यहाँ पे 8 लिखना है, और इसकी रेजोल्यूशन जो है वो 300 ही रहेगी। रेजोल्यूशन को आपने कम नहीं करना, रेजोल्यूशन को आपने, अगर कम है आपके पास तो इसको आप 300 कर दें, कम से कम मिनिमम रेजोल्यूशन इसकी 300 होगी, क्योंकि बुक कवर प्रिंट होते हैं, ये प्रिंटिंग में 300 से कम रेजोल्यूशन नहीं जाती, उसके बाद पिक्सल फट जाते हैं, इसलिए आपने कम से कम 300 पिक्सल्स रखना है। इसको मैं कर देता हूँ यहाँ पे ओके। अब यहाँ पे हमारे पास आ चुका है ये हमारे पास कैनवास आ चुका। अब हमारे पास जो क्लाइंट ने हमें पिक्चर दी थी, हमने वो यहाँ पर पेस्ट करनी है। यहाँ पर हमने वो पिक्चर लेकर आनी है जिसके ऊपर हमने फ्रंट कवर डिज़ाइन करना है। तो मैं अपने कंप्यूटर से यहाँ पर पिक्चर इम्पोर्ट कर लेता हूँ। यहाँ पर फाइल में आएंगे और यहाँ पर लिखेंगे ओपन, ओपन होगा तो यहाँ पर हम डेस्कटॉप के ऊपर हमारी पिक्चर रखे हुए, हम वो यहाँ पर इम्पोर्ट कर लेते हैं। ये मैंने एंटर किया और यहाँ पे देखें हमारे पास वो पिक्चर यहाँ पे सिलेक्ट होके आ चुकी है जो हमें क्लाइंट ने दी थी, ये वाली पिक्चर। ठीक है, ये वाली पिक्चर हमारे पास यहाँ पर आ गई। अब हमने इसका टाइटल रखना है आयरलैंड, इसका नाम है आयरलैंड, ये कंट्री के ऊपर एक बुक है, तो उसके ऊपर हमने इसका कवर डिज़ाइन करना है। इसको मैंने कंट्रोल सी किया, कॉपी किया, और यहाँ पर आने के बाद
ये हम टेक्स्ट टूल लेंगे, आपको फोटोशॉप चलाना नहीं आता तो जो जो स्टेप्स मैं यहाँ पे करता हुआ जा रहा हूँ वो आपने अपने स्टेप्स फॉलो करने हैं और बाद में प्रैक्टिस करनी है। कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी मसला हो, कमेंट में पूछ लीजिएगा, उसका आंसर मैं आपको लाजमी कर दूंगा। तो यहाँ पर देखें, मैं टेक्स्ट टूल पर आता हूँ, जो जो टूल्स यहाँ पर इंपॉर्टेंट होंगे मैं वही टूल यूज़ करता हूँ, अदरवाइज़ आपको कोई इसमें कन्फ्यूजन होने वाली नहीं है। अब यहाँ पर मैं एक दफ़ा क्लिक करूँगा और यहाँ पर मैं जो कंट्रोल हमने कॉपी किया था यहाँ पर मैं कर दूँगा कंट्रोल वी। इसका साइज़ बहुत छोटा है, मैं कंट्रोल टी कर रहा हूँ इसको ट्रांसफॉर्म करने के लिए, टेक्स्ट को शिफ्ट ऑल्टर में प्रेस किया हुआ है और यहाँ से मैं कर रहा हूँ इसको यूनिफॉर्म ट्रांसफॉर्म। अब यहाँ पे देखें आयरलैंड लिखा हुआ आ चुका, इसको अप्लाई करेंगे। यहाँ पे मैंने लिख दिया है आयरलैंड और इसका फॉन्ट मैं देखें, फॉन्ट इसमें मैं ये वाला रख रहा हूँ मॉन्टेरेस्ट, ऑलरेडी इसमें सिलेक्ट था क्योंकि मैं अक्सर अपने बुक कवर्स में एक तो ये वाला फॉन्ट यूज़ कर रहा था, एक यूज़ कर रहा था बीबास BEBAS वो यूज़ कर रहा होता हूँ। यहाँ पे मैंने इसको ओके किया आयरलैंड, इसको मैं और थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ ये। अब हमें इसका देख रहे हैं बैकग्राउंड के साथ ये मैच कर रहा है, अब ये हमने इसका बैकग्राउंड से थोड़ी सेपरेशन लेनी, इसको हमने पॉप आउट करना है, यानी कि अब हमें कुछ ज़्यादा वाजे दिख नहीं रहा है। ये ज़्यादा वाजे मैं इसलिए नहीं दिख रहा क्योंकि इसके पीछे जो बैकग्राउंड है वो इसके साथ मैच कर रहा है, तो हमने इसको थोड़ा सा डार्क करना है बैकग्राउंड को। मैं एक और लेयर ले रहा हूँ यहाँ से नीचे देख रहे हैं, क्रिएट ए लेयर, यहाँ से मैंने एक और लेयर ली और अब मैं लेता हूँ ब्रश टूल, बी से ब्रश टूल लिया हुआ है मैंने, ये ब्रश टूल यहाँ पे ये रहा। अब मैं इसको कर दूँगा थोड़ा सा डार्क कलर, ब्लैक मैं इसको कर देता हूँ ब्लैक, ये हो गया यहाँ पे देख रहे हैं ब्लैक कलर, ये मैंने इसको ब्लैक कलर सेलेक्ट किया और यहाँ से मैं इसको कर दूँगा पेंट, ये मैंने इसको किया पेंट। और अब मैं टेक्स्ट की लेयर को ऊपर लेकर आऊँगा क्योंकि टेक्स्ट की लेयर हमारे नीचे चली गई, इसको मैं लेकर आता हूँ ऊपर, ये इसको ट्रैक करेंगे पकड़ के इसको ऊपर करेंगे यहाँ पर। अब यहाँ पर देखें और अब हमने इसके ओपेसिटी कर दी है डाउन, जो हमने ब्लैक ब्रश का ब्रश लिया था उसकी ओपेसिटी कर दूंगा मैं डाउन और इसका कलर भी थोड़ा सा चेंज कर दूंगा, कलर मैं कर दूंगा इसका ब्लू के टाइप, ये ब्लैक हमें कुछ ऑड लग रहा है तो मैं इसको कर दूंगा ब्लू, ये जो समंदर का ब्लू इसी टाइप का, थोड़ा सा इसको डार्क ले आऊँगा डार्केस्ट मोड में, ये कुछ मैंने कर दिया इस तरह का ताकि हमारा जो टाइटल है वो अच्छा से उभर कर आए। अब यहाँ पर देखें पहले कैसे था अब कैसे दिख रहा है, आपको फ़र्क वाजे दिख रहा होगा अब और अब देख रहे हैं आप। तो ये हो गया हमारे पास टाइटल और टाइटल के बाद नीचे आता है इसका हमारे पास सब टाइटल, ये है इसका सब टाइटल, इसको भी यहाँ से मैं कॉपी करता हूँ, वापस फोटोशॉप में आएंगे, ये मैंने सिलेक्शन टूल लिया और अब मैं इसको इस वाली लेयर को कर दूंगा कंट्रोल जे, इसकी हमने कॉपी ली है इसको मैं कर दूंगा नीचे। नीचे करने के बाद दोबारा टेक्स्ट टूल लेंगे और इसको डबल क्लिक करेंगे, इसमें पेस्ट कर देंगे कंट्रोल वी से। अब यहाँ पे देखें टेक्स्ट हमारा सबटाइटल जो होता है वो छोटा होता है, टाइटल बड़ा होता है सबटाइटल छोटा होता है, इसको मैं कंट्रोल ए करूँगा सिलेक्ट करूँगा और अब मैं इसका जो टाइटल इसका फॉन्ट है वो चेंज रखता हूँ। आपने टाइटल का और सबटाइटल का फॉन्ट सेम नहीं रखना, इसमें आपने चेंज करना है। मैं यहाँ पर रख रहता हूँ सेंचुरी, सेंचुरी के नाम से फॉन्ट आता है सेंचुरी गॉथ या सिर्फ सेंचुरी रख देते हैं सेंचुरी गोथिक, या एक और आता है माइरेट प्रो, माइरेट भी चलता है। तो यहाँ पे रखा है मैंने माइरेट और इसको मैं कर दूंगा ओके, अब इसको मैं कर दूंगा बिल्कुल छोटा, कंट्रोल टी रखें टेक्स्ट टूल लेंगे कंट्रोल ए करेंगे। अब यहाँ पे देखें यह फॉन्ट, फॉन्ट का साइज़ इसको यहाँ से आके मैं कर दूंगा 24, ये और बहुत छोटा हो गया यहाँ पर मैं कर देता, आपके पास हो सकता है कि 24 आपके पास बड़ा हो, मेरी फोटोशॉप की सेटिंग थोड़ी सी ऊपर नीचे हुई हुई है तो मैं इसको अपने हिसाब से एडजस्ट करता रहता हूँ। तो आपने देख लेना है कि फॉन्ट का साइज़ आपने छोटा ही रखना है, इतना छोटा नहीं रखना कि नजर ही ना आए, आपने थोड़ा सा बड़ा रखना है। मैं कंट्रोल और इसको मैं थोड़ा सा कर रहा हूँ ट्रांसफॉर्म, जैसे हमने पहले उस वाले को किया था ट्रांसफॉर्म, ओके करूँगा अप्लाई करूँगा और अब यहाँ पर मैं इसको कर दूँगा सेट, कंट्रोल ए टेक्स्ट टूल लेंगे, यहाँ से मैं इसको कर दूँगा ब्रेक, यहाँ पर आने के बाद एंटर दबाऊँगा और एक और एंटर दबाऊंगा और अब ये देखें स्पेस आ रहा है बहुत ज़्यादा, इसके स्पेस को ख़त्म करने के लिए यहाँ पे आता है एक ये वाला ऑप्शन, कैरेक्टर का पैनल होता है ये, अगर आपको यहाँ पे शो नहीं हो रहा तो यहाँ पे विंडोज़ में आएंगे, यहाँ पे होगा कैरेक्टर्स, यहाँ पे इसको आपने क्लिक करना है और यहाँ आपके पास यहाँ पे आ जाएगा शो हो जाएगा। अब ये वाला जो है डबल है जहाँ पे लिखा हुआ ये चीज़, तो इसको मैं कर देता हूँ कम, कम ज़्यादा करेंगे तो कम करेंगे स्पेस कम होगा, ज़्यादा करेंगे तो स्पेस ज़्यादा आएगा, मैंने इसको कर दिया ये इतना, इसको ख़त्म और अब हम इसको कर देंगे सेंटर अलाइन, ये हमने कर दिया इसको सेंटर, इसको कर दिया ओके और अब यहाँ पे आ जाएंगे ये, इसको और थोड़ा सा मैं बड़ा कर देता हूँ इतना ताकि हमारे पास ये वाजे हो जाए। अच्छा जी ये हो गया हमारे पास
टाइटल भी हो गया हमारे पास, सब टाइटल भी हो गया। अब क्लाइंट हमें क्या कह रहा है, ये है हैप्पी ट्रैवल्स, इसने हैप्पी ट्रैवल्स का मुझे लोगो दिया हुआ है। इसने कहा है कि भाई मुझे नाम नहीं लिखना, इसके डिस्कशन में मेरी बात हुई थी तो कह रहा है इसमें मुझे नाम नहीं लिखना, इसका मुझे लोगो देना। तो लोगो हम बाद में इसमें पेस्ट करते हैं, इसकी नीचे जो डिस्क्रिप्शन दी हुई हम उसको देखते हैं। यहाँ पे देखें ऐड क्या करना है, इसके अंदर एक बैज ऐड करना है, बैज विद द राइटिंग पॉकेट गाइड 2023, इसको हमने कॉपी किया एक बैज हमने। और यहाँ पे क्या कह रहा है, शेड्स ऑरेंज या येलो, इसका बैज का कलर आपने ऑरेंज रखना है या येलो रखना है। अब मैं यहाँ पे आता हूँ, अब ये प्रैक्टिकल काम कर रहे हैं हम कोई अपने दिमाग से नहीं चल रहे काम, अब क्रिएटिविटी हम अपने दिमाग से कर रहे हैं, काम अपने दिमाग से कर रहे हैं, लेकिन क्लाइंट ने हमें जो जो स्टेप्स दिए हैं हम उसको फॉलो करते जा रहे हैं। और ये आपके लिए एक इंस्पिरेशन होगी कि आपने क्लाइंट के साथ साथ रहते हुए काम किस तरह से करना होता है। अच्छा ये हो गया, अब हम यहाँ पे लेंगे एक, हमने एक रेक्टेंगल बनाना है, यानी कि वो बार बनानी है जिसके ऊपर हम लिख सकते हैं। ये वाला रेक्टेंगल टूल है, इसको मैंने ये इसको आप होल्ड करेंगे तो ये राउंड रेक्टेंगल टूल, ये मैंने इसको कॉपी इसको लिया। और अब यहाँ पर मैं एक बार बना देता हूँ कुछ बड़ी सी इस तरह से, ये हमने बार बना दी। इसका कलर हम चेंज कर देंगे, यहाँ पर डबल क्लिक करेंगे, कलर ओवर ले पे आएंगे, उसने कहा है ऑरेंज या येलो, तो हम यहाँ पे देखते हैं जो बुक के अंदर जो ऑरेंज या येलो कलर यूज़ हुआ होगा हम उसी को पिक करेंगे लाइक दिस, इस ये वाला। और अब मैं कर दूँगा इसको ओके ओके। अच्छा जी, अब हमारे पास हमने यहाँ पे लिखना है टेक्स्ट जो हमें क्लाइंट ने दिया है वही हम यहाँ पे लिखेंगे। ये टेक्स्ट और कंट्रोल वी कर दिया और अब मैं इसको करता हूँ बड़ा, इसको हम ऊपर रखते हैं। अब यहाँ पे इसका टेक्स्ट का कलर येलो से मैच नहीं हो रहा, इसको हम कलर को कर देंगे ब्लैक क्योंकि इसमें ब्लैक अच्छा लगेगा। ये हमने कर दिया ये और ये पॉकेट गाइड टू, इसको मैं ब्रेक कर दूंगा नीचे कर रख दूंगा इसको, 2023 को नीचे रख दिया है और ये आ गया है यहाँ पर। कंट्रोल टी किया, इसको ट्रांसफॉर्म किया और ये आ गया हमारे पास पॉकेट गाइड 2023। इसको हम फॉन्ट को कर देंगे थोड़ा सा बोल्ड, कंट्रोल इसको ये टी को प्रेस किया, कंट्रोल ए किया, यहाँ पे आएंगे करेक्टर वाले पैनल में ऑलरेडी बोल्ड हुआ हुआ है। अच्छा जी, तो हम यहाँ से कर देंगे इसको इस वाले फॉन्ट के आगे लिखा होता है रेगुलर, रेगुलर के आगे आप देख लेंगे बोल्ड सेमी बोल्ड जो इसके पास आपके फ़ोन डाउनलोड हुए होंगे वो सामने आ जाएंगे आपके पास। इसको मैं कर दूंगा येस और ये हो गया ये। इसका भी हमारे पास गैप थोड़ा सा मुझे ज़्यादा लग रहा है तो मैं इस गैप को कम कर देता हूँ, यहाँ से वही वाला आएंगे और इसके लाइन वाले गैप को हम कर देंगे इसको थोड़ा सा यहाँ से कम। ओके हो गया, यहाँ से सिलेक्शन टूल लिया, ये कर दिया हमने यहाँ तक। अब पॉकेट गाइड 2023 ये हमारे पास आ चुका, इसको थोड़ा सा मैं छोटा करता हूँ। ये भी हमारे पास प्रॉम्प्ट थोड़ा सा बड़ा दिख रहा है, ये भी अच्छी बात है, क्लाइंट को ये ज़्यादा बड़ा चाहिए था ताकि लोग इसको देखेंगे कि 2023 की ये गाइड है। अब वापस हम उसमें जाते हैं, इसमें और क्या लिखा हुआ है, स्टैम्प विद वर्ड बोनस। अब ये है बोनस, ये बोनस पॉइंट है इसका, मैं कंट्रोल सी करता हूँ। एक स्टैम्प आपने लेनी है, स्टैम्प आप गूगल से भी आप डाउनलोड कर सकते हैं, मैं गूगल पे आता हूँ और यहाँ पे लिखता हूँ, google.com पे आते हैं, यहाँ पे मैं लिखता हूँ बैज या स्टैम्प, stamp.png, stamp.png मैंने लिखा, तो आप यहाँ से कोई से भी एक स्टैम्प यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं या आपने स्टैम्प यहाँ पे आपको मिल जाएगी, आप ये वाली उठा लें, आप इस तरह का टाइप इस तरह का काम कर सकते हैं। नीचे आपको और भी मिल जाएंगी लाइक दिस, ये वाली सही है। तो मैं यहाँ से इसको डाउनलोड करता हूँ, मेरे पास एक ऑलरेडी डाउनलोड हुई भी होगी आई थिंक, तो मैं वो उसको यहाँ से पेस्ट करता हूँ। यहाँ से आपने डाउनलोड करके इसको आपने इंपोर्ट कर लेना फोटोशॉप के अंदर। अब यहाँ पे मेरे पास आ चुकी है ये, इसको मैंने यहाँ से इंपोर्ट किया, इसका बैकग्राउंड आ रहा है वाइट कलर का, इसको मैं ये वाला सिलेक्शन टूल लूँगा, ये मैजिक वॉन्ड टूल है, इसको मैंने लिया, इसके ऊपर एक दफ़ा क्लिक किया तो सिलेक्शन कर लेगा वाइट कलर की, तो यहाँ से मैं कर दूंगा डिलीट का बटन दबाऊंगा, ये डिलीट हो जाएगी। अच्छा ये नहीं हो रही, ओके किया, इस वाली लेयर पे आएंगे राइट क्लिक करेंगे और उसको कर देंगे रास्टराइज। रास्टराइज करने के बाद अब मैं डिलीट का बटन प्रेस करता हूँ तो आप देखें डिलीट हो चुका, ठीक हो गया। अब मैं कंट्रोल डी करूँगा, इसकी सिलेक्शन डिसलेक्ट हो जाएगी। अब हम ये टूल लेंगे अपना, कंट्रोल डी करूँगा इसको डिसलेक्ट होने के बाद, कंट्रोल टी इसको बड़ा करेंगे थोड़ा सा, एंटर दबाएंगे, वो इसको रख देंगे कुछ यहाँ पर, ये इस तरफ हम रख देंगे इसको। और अब हम इसमें लिखना है टेक्स्ट, टेक्स्ट लिखना है हमने यहाँ पे, मैं इसी टेक्स्ट को कॉपी करता हूँ कंट्रोल जे,
इसको मैं नीचे लेकर आता हूँ। ये राउंड हमारा टेक्स्ट हमारा राउंड के नीचे आ रहा है, तो इसको टेक्स्ट को लेयर को उठा के हम ऊपर रख देंगे। यहाँ पे ये टेक्स्ट टूल लेंगे, इसको कंट्रोल ए करेंगे और यहाँ पे कर देंगे कंट्रोल वी। बोनस जो हमने वहाँ से इसको डाउनलोड किया था, अपना कॉपी किया था, इसको मैं यहाँ से यहाँ तक का इसको कर देता हूँ डिलीट। सिलेक्शन टूल लेंगे, बोनस को यहाँ पर लेकर आएंगे, बोनस को कर देंगे थोड़ा सा बड़ा, क्योंकि बोनस है तो हमने एक क्लाइंट यानी कि क्लाइंट के जो बायर्स होंगे, जो बुक के जो बायर्स होंगे, उनको बोनस भी प्रॉम्प्ट दिखना चाहिए। तो ये जैसे जैसे आप काम करते जाएंगे वैसे वैसे आपको स्टेप बाय स्टेप पता चलता जाएगा कि आपने काम किस तरह से करना है। ये हो गया बोनस। अब हमने इसके नीचे एक और लाइन लिखनी है, मैं ऑल्ट दबा के इसको भी कॉपी कर सकते हैं। ऑल्ट दबाएंगे, यहाँ पे टेक्स्ट के ऊपर कर्सर लेकर आएंगे, ऑल्ट दबाएंगे, इसका कर्सर का आइकन चेंज हो जाएगा, ड्रैग करेंगे नीचे की तरफ तो ये कॉपी हो जाएगी लेयर। अब मैं टेक्स्ट टूल लेता हूँ दोबारा, इसके ऊपर आता हूँ, डबल क्लिक किया और अब हमने इसको मैं कर देता हूँ यहाँ से यहाँ तक डिलीट, क्योंकि हमने बोनस लिख चुके हैं 10 पर्सनलाइज्ड। इसको यहाँ से और यहाँ से मैं कर देता हूँ ब्रेक। सिलेक्शन टूल लेंगे और इसको हम कर देंगे थोड़ा सा छोटा इसके साथ। ये आ गया हमारे पास बोनस का भी हमारे पास आ चुका। कंट्रोल ये टी लिखेंगे, इसकी भी लाइन हम इसमें कम कर देंगे कम थोड़ी सी। ये हो चुका यहाँ से यहाँ तक ये हो चुका। अब यहाँ पे देखें बोनस भी आ गया हमारे पास और हमारे पास एक बुक कवर भी आ गया। अब हमने इसको थोड़ा सा और इसके इफेक्ट देने, आयरलैंड को मैंने सिलेक्ट किया। आपके अगर कोई लेयर सिलेक्ट ना हो तो यहाँ पे देखें ऑटो सिलेक्ट का ऑप्शन है, यहाँ पे आपने ऑटो सिलेक्ट करना है। जिस लेयर जिस टेक्स्ट पर भी आप ये क्लिक करेंगे तो वो ऑटोमेटिकली यहाँ पे सिलेक्ट हो जाएगी। अच्छा जी, सिलेक्ट होने के बाद इसको मैं डबल क्लिक करता हूँ और अब मैं इसको कर दूंगा ड्रॉप शैडो। जैसे मैं ड्रॉप शैडो दूंगा तो आप देख लेंगे, यहाँ पे मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ। यहाँ पर आएंगे ये, अब देखें ये मैंने इसको ख़त्म किया यहाँ से, तो देख रहे हैं आप एक इफेक्ट पड़ रहा है पीछे, टेक्स्ट के पीछे एक इफेक्ट आ रहा है, उसको आपने इफेक्ट को आपने देना है ताकि और थोड़ा सा प्रॉम्प्ट हो के आए इसका टाइटल। मैं ड्रॉप शैडो देता हूँ इसको, थोड़ा सा ज़्यादा देता हूँ, यहाँ साइज़ कम और ज़्यादा आप कर सकते हैं जितना आपको चाहिए। मुझे इतना चाहिए, मैंने इसको कर दिया ओके। और अब हम इसको नीचे वाले टाइटल को भी हम कर देंगे और इसके कलर में जो रख रहा हूँ वो वाइट ही रख रहा हूँ, क्योंकि वाइट कलर में बुक कवर थोड़े से अच्छे दिखते हैं। वाइट कलर, ब्लैक कलर पे आपको येलो कलर यूज़ करना होगा। तो आप इस तरह से जैसे जैसे आप काम करते जाएंगे वैसे वैसे आपको आइडिया होता जाएगा कि आपने काम करना किस तरह से। ओके कर दिया मैंने इसको। अब यहाँ पे देखें थोड़ा सा प्रॉम्प्ट हो गया, आयरलैंड भी प्रॉम्प्ट हो गया, नीचे सब टाइटल भी थोड़ा सा प्रॉम्प्ट हो गया और एक गाइडलाइन भी आ गई। अब गाइडलाइन को मैं चाह रहा हूँ यार अच्छा तो लग रहा है ये, ठीक है कोई मसला नहीं है, ओके हो गया। अब मैं अब यहाँ पे नीचे हमारे पास क्लाइंट का जो है टाइटल वो नीचे आएगा, हमारे पास क्लाइंट का नाम आएगा, जो हमने क्लाइंट ने हमें एक लोगो दिया है वो हमने लोगो इसमें पेस्ट करना है। पेन नेम की जगह यानी कि ऑथर नेम की जगह हमने इसका क्लाइंट का नाम यूज़ करना है। ये क्लाइंट का हमारे पास लोगो था जो क्लाइंट ने हमें सेंड किया था, तो इसको मैं कर दूंगा नीचे और ये कर दूंगा कुछ इस तरह से, इसको और छोटा कर दूंगा। क्लाइंट का नाम आता है या लोगो आता है वो छोटा ही आता है, तो अब मैंने कर दिया इसको इस तरह से कुछ, ठीक हो गया। अब यहाँ पे देखें हमारे पास एक बुक का फ्रंट कवर रेडी हो चुका है। सिर्फ हार्डली हमें कुछ मिनट ही लगे होंगे, मुझे कुछ मिनट लगे होंगे, आप जब प्रैक्टिस करेंगे तो आपको बहुत कम टाइम आपका वेस्ट होगा। तो हमने तकरीबन 20 मिनट के अंदर अंदर हमने ये कवर डिज़ाइन कर लिया है, ये हमारा फ्रंट कवर है। तो अब हम इसको क्लाइंट को सेंड करेंगे और मैं इसको आपके इसे यहाँ पे आके फाइल में आके सेव फॉर वेब करूँगा और सेव फॉर वेब करने के बाद सेव करेंगे और अब मैं यहाँ पे लिख दूंगा कवर। वैसे तो मैं क्लाइंट का नाम लिख रहा होता हूँ यहाँ पे, आपने आप प्रैक्टिस कर रहे हो तो कवर वन कवर टू करके आप इसको यहाँ से सेव कर सकते हैं। डेस्कटॉप पे आएंगे, कवर को मैंने कर दिया सेव। अब आपके पास एक और चीज़ आती है, आप जब क्लाइंट को इस तरह का कवर सेंड करते हैं तो क्लाइंट खुश तो हो जाएगा, जो जो क्लाइंट को चेंजिंग चाहिए वो क्लाइंट ले लेगा। अब इसके बाद हमने एक और प्लस पॉइंट देना है, हमने इसको 3D में कन्वर्ट करना है। बुक कवर को मैं अक्सर 3D में कन्वर्ट कर दे रहता हूँ क्लाइंट्स को। यहाँ पे देखें ये है 3D की फाइल, बुक का 3D कवर। एक क्या आपको बुक आपकी जब प्रिंट होकर आएगी तो किस तरह से देखेगी, एक मॉकअप होता है जो वेबसाइट पर अक्सर लोग सेंड कर रहे होते हैं। अब यहाँ पे देखें ये वाला बुक कवर, ये पहले मैं डिज़ाइन कर चुका था, उसकी मैंने 3D कवर क्लाइंट को डिज़ाइन करके दी और अब मैं इसी के ऊपर अपना बुक कवर पेस्ट करूँगा। यहाँ पर आएंगे,
ये PSD फाइल आपको मैं इसी डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं इस 3D फाइल को। आप जैसे आप इसको डाउनलोड करेंगे तो आपके पास इस तरह का कोई कवर आ जाएगा। अब मैं इसको, ये आपके पास दो फाइल्स होंगे, यहाँ पर आप इसको डबल क्लिक करेंगे, ओके करेंगे, यहाँ पे ये वाली 2D ओपन हो जाएगी। यहाँ पे देखें सारे मैंने डिज़ाइन किए हुए हैं जो मैंने क्लाइंट के लिए काम किया हुआ है। अब इसके बाद हमने इसको 3D में कन्वर्ट करना है जो हमने डिज़ाइन किया है। वो कवर हम यहाँ पे पेस्ट करते हैं, कवर को यहाँ पे मैंने पेस्ट कर दिया, यहाँ से यहाँ तक Ctrl+T करेंगे, उसकी एजिस को इसके साथ हम कर देंगे रिसाइज। ये करने के बाद सिर्फ हमें प्रेस करना है Ctrl+S। जैसे मैं Ctrl+S प्रेस करूँगा तो ये हमारा ऑटोमेटिकली 3D में जो हमारी वो फाइल होगी उसमें आ जाएगी। अब यहाँ पे कुछ इफेक्ट्स लगे हैं, इसको मैं रिमूव कर देता हूँ यहाँ से ये, और अब देखें कितना हमारा बेहतरीन कवर लग रहा है, ज़बरदस्त लग रहा है। अब मैं इसके इस वाले कलर को भी थोड़ा सा चेंज कर देता हूँ, ये है हमने लिया, ये वाला कलर जो आ रहा है इसको आपने रखना है, डबल क्लिक करना है, बैक का कलर जो आ रहा है इसको मैं कर दूंगा Alt+Backspace Ctrl+S। अब यहाँ पर देखें एक हमारे पास प्रोफेशनल 3D कवर भी आ चुका है। अब इसको भी मैं सेव करूँगा और ये सेम टू सेम मैं क्लाइंट को सेंड कर दूँगा। ये मैंने पहले कवर हमने सेव किया था, अब मैं करूँगा कवर 3D के नाम से, कवर 3D। तो यहाँ पर मैंने कवर 3D के नाम से फाइल सेव कर दी है। अब ये वाली फाइल हम क्लाइंट को सेंड करेंगे, क्लाइंट हमें क्या रिस्पॉन्स देता है तो उसके बाद ही आपको मैं बताऊँगा। तो अब देखें सिर्फ और सिर्फ हमें मुश्किल से 25 से 20 मिनट लगे इस काम को करते हुए। तो आप ये काम बड़े आसानी से कर सकते हैं। कोई भी आपको मसला मसाइल हो, कोई भी आपको मसला हो तो आप इस वीडियो के नीचे कमेंट लाजमी कीजिएगा, आपको इसका आंसर मैं लाजमी दे दूंगा। ये स्किल आपने लाजमी सीख लेनी है। ये हमारे पास $35 का एक ऑर्डर था, तो $35 आप कितने सारे बन जाएगा, आप पाकिस्तान में कन्वर्ट करेंगे तो कितने सारे हो जाएंगे, और एक दिन में एक ऑर्डर आपके पास $10 का भी आ जाए, $15 का भी आ जाए तो आपके बारे नहीं आ रहे। तो ये थी हमारे पास आज की वीडियो, उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आएगी। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, और आपने इस तरह का पूरा मुकम्मल कोर्स अच्छे से सीखना है तो मुझे कमेंट्स में लाजमी बताएगा, मैं आपको पूरी डिटेल में और भी अच्छे कवर बनाकर दिखाऊंगा, और ये क्लाइंट का हमारे पास क्या रिस्पॉन्स है ये भी आपको लाजमी दिखाऊंगा। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।